Now watch all the episodes only on Lehre app. फर्स्ट ऑफ मैम बहुत बहुत मुबारक, ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपके फ्रेंड्स फर्टिनिटी से क्या आपको कमेंट्स और अप्रिशिएशन मिलता है। पहले स्टार्टिंग बहुत अच्छा रिस्पांस है, हमारे दोस्तों का रिस्पांस अच्छा है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बिकॉज वो दोस्त हैं हमारे, प्यार करते हैं हमसे। लेकिन एक दो इंसिडेंट्स हमारे साथ ऐसे हुए हैं, श्वेता मैं और विवेक हम लोग दिल्ली में जब हमने ट्रेलर लॉन्च किया, उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे एकदम कहीं से एक लड़का दौड़ के आया हमारे पास, और हम जानते नहीं थे उसको। वो बस आके विवेक को उसने इतना ही कहा कि सर ट्रेलर देखा, एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस फिल्म। मेरा नाम फला फला है, आप मुझे जानते नहीं, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू से थैंक यू, एनी लेफ्ट। और ऐसे एक दो इंसिडेंट्स और हुए, हमको फ़ोन कॉल आया कहीं से आउट ऑफ द ब्लू कि मैं फला फला जगह से ये बोल रहा हूँ, बस आपको धन्यवाद कहना था कि आपने ये फिल्म बनाई। तो ऐसे जब एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर्स से हमको जब ऐसा फीडबैक मिलता है तो दैट इज़ द टाइम यू फील कि हाँ कुछ सही चीज़ की है। और फिर इसके शेयर्स भी इतने हुए, 5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हुए हैं हमारे, और हमारी कोई ऐसी फिल्म नहीं है कि हम लोग पेड पब्लिसिटी और पेड व्यूज़ ले सकें, इतनी जान ही नहीं है इस फिल्म की, ये छोटी फिल्म है। तो जो हुआ है ये सब ऑर्गेनिकली लोगों के प्यार की वजह से हुआ है, एंड आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम फीलिंग वेरी हम्बल्ड राइट नाउ। थोड़ा पानी निकल गई, ओह शूट, मैं रुक जाती ना। They're saying it with so much love, I don't want to stop. Sorry, thank you. ट्रेलर का रिस्पॉन्स बहुत ही ओवरवेलमिंग रहा है। मैंने जो हम ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैम ने जैसे कहा इतने सारे व्यूज़ मिले हैं, द कमेंट्स, द एंगेजमेंट ऑफ द ट्रेलर बहुत ही ओवरवेलमिंग रहा है। और हमने जहाँ पर भी उसे शेयर किया है, चाहे ट्विटर हो या सोशल मीडिया, फेसबुक, इनफैक्ट मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितने फैमिली ग्रुप्स हैं, मेरे स्कूल या कॉलेज के ग्रुप्स हैं, हर तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। और एवरीवन, यू नो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको बस थम्स अप या कॉन्ग्रेचुलेशंस या लुकिंग फॉरवर्ड, स्क्रीनिंग हो तो बुलाना टाइप के मैसेजेस भेजते हैं, बट वी आर गेटिंग रिस्पॉन्स ऑन द ट्रेलर दैट फाइनली अ फिल्म टू लुक फॉरवर्ड टू, यू नो, ओ व्हाट अ थ्रिलिंग ट्रेलर, एक कड़क ट्रेलर है, एक्साइटिंग। सो दीज आर वर्ड्स जो बहुत ही वेरी द एक्सप्रेशंस, यू नो, और ये जो इमोजीज हैं और जो मतलब हम ऐसे ही लोगों को, दोस्तों को बोलने के लिए करते वो नहीं है। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट पीपल आर एक्चुअली, यू नो, एक कहीं पर ट्रिगर किया है, थॉट प्रोवोक हुआ है, थॉट प्रोवोकिंग है ट्रेलर, एंड पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट। ये तो हमारे सर्कल की बात है, और जो हम यूट्यूब पे भी जो हमारे ट्रेलर्स के जो हम रिव्यूज़ पढ़ रहे हैं, सो मच पॉजिटिविटी और इतनी एंथुजियाज्म है लोगों में टू वॉच दिस फिल्म, टू नो अबाउट इट, और ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, दैट वी आर जस्ट कीपिंग आर फिंगर्स क्रॉस, बिकॉज द फिल्म इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट ट्रेलर एंड लाइक इज गोइंग टू आंसर क्वेश्चंस। ओके, मूवी की बात करें तो एक थ्रिलर योनर है, हमने जब भी देखा थ्रिलर योनर रहते तो बहुत ही बारीकी से काम करना होता है, क्योंकि थोड़ा भी अगर ऊंच नीच या थोड़ा भी ऊपर नीचे तो एक कॉमिक सीन में एक बदल सकता है, तो आपने कितना ध्यान दिया उस पर? ये देखिए, ये तो आप एक नॉर्मल फिल्म की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसा सब्जेक्ट हो तो एक नेचुरली इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर, क्योंकि हम किसी फिक्टिशियस कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं जिसका मर्डर हो चुका है और उसके आगे इर्द गिर्द इन्वेस्टिगेशन है। हम अपने भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, भारत के किसी एक साधारण व्यक्ति की भी नहीं बात कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं किसी भी कंट्री के, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी होते हैं देश के, तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो नेचुरली उनसे जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम एक शब्द भी यहाँ का वहाँ करें तो लोग तो हमें काटने को दौड़ाएं, तो क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं शास्त्री जी की, तो हमारे ऊपर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए हमने जितना भी रिसर्च किया है इसमें, वो सारा ऑथेंटिकेटेड रिसर्च है, हमने एक भी लाइन इसमें
ऐसी फिल्में यूज़ नहीं की है जिसको लेके हम कोई एविडेंस नहीं दे सकते लोगों को. एवरीथिंग दैट वी हैव इज़ ऑथेंटिकेटेड. और उसके इर्द गिर्द एक मर्डर मिस्ट्री की तरह एक फिल्म बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि शास्त्री जी के संदेहपूर्वक जो मौत हुई उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है. एक पहले बनी थी, एक हमारी जो स्टूडियो है जी, उन्होंने ही एक अपने जी फाइव पे ही एक बनाया था. और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं, एक प्रधानमंत्री करके भी एक एपिसोड आ चुका था उनके ऊपर. लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री को देखना वो वही लोग देख सकते हैं जो खोज करना चाहते हैं, जो उस इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने आप को उस सब्जेक्ट में. लेकिन एक नॉर्मल ऑडियंस को अंदर लाना, युवा को अंदर लाना, उनको एक तरह की, अगर जब तक हम थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री बना के एक फिल्म का पूरी तरह से एलिमेंट उनको ना दे, तब तक वो फिल्म एंगेजिंग भी नहीं होगी. तो हमने जॉनरा ये डिसाइड किया था. लेकिन जिस तरह के फैक्ट्स हमारे सामने आने लगे, हमें बहुत ज़्यादा क्राफ्ट के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो फैक्ट्स ही इतने ज़्यादा हार्ड हिटिंग हैं कि वो अपने आप में एक एज ऑफ द सीट यू नो वाली बात हो गई. कि जब हमने पहली बार ये इसकी स्क्रीनिंग की थी, तो जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं इस फिल्म में, जिन्होंने मदद की हमें फिल्म बनाने में, उन लोगों को हम जब वो फिल्म दिखा रहे थे, श्वेता भी थी उस स्क्रीनिंग में, उन्हें बाथरूम जाना था, इंटरवल में वो जाना भूल गए. और उसके बीच में तो उन्होंने सोचा कि ऐसी कोई एक मोमेंट आएगी तो मैं चला जाऊंगा बाथरूम, और वो पूरा टाइम हिले नहीं अपनी सीट से. और जैसे ही फिल्म ख़त्म हुई वो सबसे पहले भागे बाहर. तो हमको लगा कि पता नहीं ये कैसा रिएक्शन हो गया कि हाँ वही भाग गए बाहर. तो विवेक और मैं एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे देखने लगे कि क्या गलती हुई, फिल्म तो अच्छी बनी, कड़क बनी है फिल्म अपने हिसाब से. तो वो बेचारे ज़रा थोड़े रिलीव होकर जब बाहर निकले तो कहे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसलिए मैं पहले भागा, क्योंकि मैं पूरी फिल्म में उठ नहीं सका. सो आई थिंक दिस वाज यू नो द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, बेस्ट रिएक्शन. जिस आदमी ने पैसा लगाया है वो उस आदमी वो एक एक मतलब ही गोज थ्रू द एंटायर फिल्म विद अ फाइन टूथ कॉम्ब, यू नो कि नहीं ये नहीं वर्क कर रहा है, वो नहीं वर्क कर रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स हिज मनी बैक. So that was, I think, one of the biggest reactions that we got, and then we knew कि हमने सही किया है और इस genre के साथ हमने justice भी की है. Okay, Shweta जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी तक की करियर बहुत सारे movie अलग अलग किए हैं. लास्ट आपकी थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसमें आपने रोम कॉम एक भाभी जो रोल रहता है बहुत ही हटके आप रोल किया है. सो चूज, आपका रोल चूज करना कैसे रहता है, बिकॉज ये और ये बहुत ही अलग है दोनों, डिफरेंट. देखिए, बचपन में तो मेरे माता पिता चूज़ करते थे फिल्म मकड़ी हो या इकबाल, उन्होंने वो चॉइस लिया था और आई थिंक बहुत ही अच्छा चॉइस लिया था मेरे लिए दोनों फिल्मों का. और उसके बाद काम ना करना और पढ़ाई पे ध्यान देना, वो भी उन्हीं का निर्णय था. अब जब मैं फिल्म्स चूज़ करती हूँ, कोई भी एज एन एक्टर मेरे पास अगर कोई स्क्रिप्ट आता है, सबसे पहले मैं एज एन ऑडियंस उस फिल्म को देखती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब कंज्यूमर्स ही हैं, हम भी तो फिल्म ही देखने जाते हैं. तो मुझे एज एन ऑडियंस मैं सबसे पहले उस स्क्रिप्ट को, उस प्रोजेक्ट को परखती हूँ, उसके बाद कैरेक्टर, और उसके बाद टीम, आपके एसोसिएशन. ऑब्वियसली आप एक अच्छी एनर्जी के साथ काम करना चाहते हैं. बद्रीनाथ की दुल्हनिया जब मेरे पास आई थी, मुझे वो कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा था. फिल्म ऑब्वियसली बहुत अच्छी थी और एसोसिएशन टीम बहुत अच्छा था, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था वो पढ़ी लिखी है, काम करना चाहती है, बट बिकॉज पेट्रियार्की इतना स्ट्रांगली इनग्रेन्ड है हमें और ऐसी कंडीशनिंग है हमारी कि वो खुल के कर नहीं पा रही थी. तो मेरा इंटेंशन वो था, एंड आई बिलीव इन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स. जैसे आपने अभी नाम लिया, आपको याद रह गया वो किरदार, तो दैट वॉज द रीज़न. बट हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने वैसा कोई रोल कर लिया तो आप टाइप कास्ट हो जाते हैं. तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आए कि बबली लड़की है, स्कूटी चलाती है, ये तो रोल है, कैरेक्टर क्या है, वही बबली है और स्कूटी चलाती है. मैंने बोला तो आई कुडंट टेक अप दोज रोल्स, यू नो, क्योंकि एज एन एक्टर दैट कॉम्प्रोमाइज माई प्रोफाइल, और मैं क्यों करूँ. तो वैसे बहुत सारे तो नहीं, लेकिन 4-5 जो आए, और उनमें से कई अभी तो रिलीज़ हो गए, सुपरहिट भी हो गए हैं. तो एज अ फिल्म, एज अ प्रोजेक्ट में उनको आई डोंट डाउट इट, बट एज अ कैरेक्टर आई नीड वेरी गुड, राइट. एंड आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग जो मुझे, जैसे मकड़ी या इकबाल तो इकबाल के ऊपर थी, बट इट हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, जो आज भी लोग इकबाल के कैरेक्टर को, जो मेरा कैरेक्टर किरदार था खदीजा का, उसको आज भी याद रखते हैं. So for me, finally Tashkent Files was that, where you know, Ragini Phule एक बहुत ही strong character है जिसका graph है. क्योंकि मैं खुद journalism पढ़ी हूँ तो मुझे character में ढलने में problem नहीं हुआ, लेकिन जो काम तो आपको
एज एन आर्टिस्ट अपना होमवर्क करना ही पड़ेगा. तो फिल्म शुरू होने से पहले हमारे वर्कशॉप्स थे, कई सारे रीडिंग्स थे, और मैंने सर से डिस्कस किया था कि मैं एक बैक स्टोरी लिखूंगी. तो आप समझ जाते हैं उस इंसान को, यू नो, इट स्टार्ट्स क्रिस्टलाइजिंग फॉर यू. तो मैंने एक 4 पेज का बैक स्टोरी लिखा था रागिनी फुले का. रागिनी एक जर्नलिस्ट है और हमारी डेमोक्रेसी का जो 4th स्तंभ है, मीडिया उसे रिप्रेजेंट करती है, आज की युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करती है. और वो शुरू तो करती है एज अ स्कैंडल स्टोरीज या हेडलाइंस जो न्यूज़ बनाते हो वैसे टाइप के फेक न्यूज़, टिल शी स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेटिंग द ताशकंद फाइल, जिसमें शास्त्री जी के बारे में और उनके मृत्यु से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस है उसको वो सुलझाने की कोशिश करती है. और वो उसकी जर्नी बन जाती है फिल्म की, वो ऑब्सेस हो जाती है उस सब्जेक्ट को लेकर. एंड एट अ पॉइंट शी अंडरस्टैंड्स कि एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट होता है सच जानना. तो दिस इज हर इन अ नटशेल. ओके मैम, आप दोनों से लास्ट 2 सवाल जानना चाहूंगा. हम जब भी ये टाइप की मूवी बनाते हैं कोई पॉलिटिकल बेस या किसी लाइफ के ऊपर, हमने देखा है कि हर टाइम कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी बहुत होती है. सो आर यू प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई आवाज उठाएगा क्या ये क्यों, स्पेशली फॉर द पॉलिटिकल पीपल. तो आप तैयार है उसके लिए, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो जब ट्रेलर लॉन्च किया था तभी से तैयार हो गए, लेकिन कोई कॉन्ट्रोवर्सी हुई नहीं. लोगों की इतनी पॉजिटिव रिएक्शन आ रही है इसको लेके कि ये हमारे लिए एक बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट था. क्योंकि जब भी आप किसी सत्य को बाहर लाने की कोशिश करते हैं तो कॉन्ट्रोवर्सी तो होती है, क्योंकि हमेशा देश में ऐसे लोग होते हैं जो 2 फैक्शंस में बट जाते हैं. तो अभी तक तो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई, और अगर इसी तरह का माहौल रहा तो फिल्म भी मैं आई एम होपिंग कि पॉजिटिवली लोग एक्सेप्ट करें विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सी. तो फिर क्या कहने. देखिए, कंट्रोवर्सी नहीं, मैं चाहती हूँ इस फिल्म से डिस्कशंस बढ़े, अवेयरनेस हो. आप देखिए, सोसाइटी रिफ्लेक्ट सिनेमा एंड सिनेमा रिफ्लेक्ट सोसाइटी. और इस फिल्म को पहले बहुत लोग बोल रहे थे कि शास्त्री जी का रोल कौन प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये पीरियड ड्रामा है, बायोपिक टाइप की कुछ बन रही है. लेकिन ये आज की सिचुएशन, आज की जो सेटिंग है, 2019 में ही बनी है. और वही दिखाया गया कि एक इंक्वायरी कमीशन मानो अगर बैठती है और 53 साल पुरानी इस रहस्य को अगर सुलझाने, इसको अगर इन्वेस्टिगेट करती है तो कैसा होगा. आई थिंक द बिगेस्ट विक्ट्री एज अ टीम, एज अ फिल्म, एज ऑल ऑफ अस, इवन एज हमारी ऑडियंस का भी यही होगा कि अगर सच में कोई इंक्वायरी कमीशन बैठे और फिर से उनके जो ताशकंद फाइल है उसे डीक्लासीफाई किया जाए. ओके मैम, लास्टली क्या कहना चाहेंगे? 12 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है मूवी, क्या आपके फैंस ऑडियंसेस बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, ये फिल्म ज़रूर देखिएगा. जब भी हम कोई काम करते हैं हम चाहते हैं लोग थिएटर्स में जाएं, बड़ी तादाद में जाएं, बड़े नंबर्स में जाएं, हमारे काम को सराहें. लेकिन इसमें मैं आपको ये कहूँगी कि ये आप एक फिल्म देखने जा रहे हैं ये सोच के मत जाइए. आप ये सोच के जाइए कि आपके जो प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने सिर्फ 11 महीने ऑफिस में काम संभाला, और उन 11 महीनों में देश के लिए वो क्या क्या कर गए. आप 5 मिनट गूगल करके देख लीजिए उन्होंने क्या क्या किया था उन 11 महीनों में. वॉर भी जीता पाकिस्तान के अगेंस्ट. उस आदमी के साथ क्या हुआ, और वो कोई ऐसा वैसा साधारण सा आदमी नहीं था. स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, जिसके बाद वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने. उनके साथ क्या हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई थिंक वी ओ इट टू द फैमिली, वी ओ द ट्रूथ टू देयर फैमिली. उनकी पत्नी नहीं रही, उनकी माँ नहीं रही. मरते मरते यही थॉट रहा था उनके दिमाग में कि मेरे पति के साथ क्या हुआ या मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, मरते दम तक उन्हें पता नहीं चला. आज उनके सबसे बड़े बेटे, जब वो सिर्फ 17 साल के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई, आज वो 70 साल के ऊपर हो गए हैं. कम से कम हमारा ये फ़र्ज़ तो बनता है कि ये जनरेशन इस दुनिया से चली जाए उसके पहले ये जो सत्य है वो बाहर निकले. इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनकी स्मृति के लिए ये फिल्म जाके ज़रूर देखें, शास्त्री जी के लिए फिल्म देखें. और जैसे श्वेता ने अभी कहा कि जहाँ तक हो सके अपने तौर पर इस चीज़ को आप स्ट्रेस करिए अपने सोशल मीडिया के द्वारा. इस पे जोर दीजिए कि ये जो फाइल्स, जो क्लासिफाइड, जो एक ही पेपर हमारे गवर्नमेंट के पास है वो डीक्लासीफाई किया जाए. प्लीज़ गो एंड वॉच द ताशकंद फाइल्स. 12 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, एंड इट्स अ होमाज टू शास्त्री जी एंड हिज फैमिली. एंड इफ़ यू आर अ ट्रूथ सीकिंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आपके मन में कुछ सवाल है
और उसके जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। एंड आई थिंक फॉर फ्यूचर जनरेशन ये फिल्म एक रेफरेंस हो जाएगा, जब भी ये टॉपिक ये सब्जेक्ट उठेगा तब लोग ताशकंद फाइल्स उठा के देखेंगे। तो आप तो अभी 12 अप्रैल को आप थिएटर में जाके देखें और जितने भी मन में आपके प्रश्न हैं उनके सवालों के जवाब आप ज़रूर पता करने का कोशिश करें। नहीं, वो ऐसे ही है कि बच्चे बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा करो और आखिरी दिन उसका विदाई का दिन आ जाए। तो इस फिल्म के साथ मैं जिया हूँ, आई हैव लिव्ड विद दिस फिल्म। 3 साल तक ऐसा लगा जैसे शास्त्री जी हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं और हम उनकी मृत्यु से छुपे रहस्यों को ढूंढने की कोशिश करते रहे, और उससे भी ज़्यादा कि किस तरह से इस देश में सत्य की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है उसका एक पर्सनल एक्सपीरियंस। आरटीआई फाइल करके, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स पढ़ के, रिसर्च करके, लोगों से बातचीत करके, जो जर्नलिस्ट उस वक्त वहाँ मौजूद थे उन लोगों से मिल के ये सब करके कैसे ये सब किया जाता है, और ये सब करने के बाद अब ये फिल्म तैयार है। तमाम सवालों के जवाब हैं, कुछ सवाल और नए उठेंगे और ये लोगों के सामने एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री आएगी जो कि किसी और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड मर्डर मिस्ट्री है। तो आई फील वेरी रिलीव्ड एंड सेटिस्फाइड।